हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस गोरी चोरी पौधे के बारे में। देखो ये कितना अच्छा पौधा है ना, फूलों से पूरा लदा पड़ा है। ये अभी मैं लटका के दिखाती हूँ, बहुत ऊंचा है, मेरे से भी बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा है ये। ये देखो ये है, कितना सारा फूल है ना, देखो फूलों से पूरा भरा पड़ा है। बहुत अच्छा पौधा है, ये लगा लो पूरी गर्मी आपके छत में, ये लगा लो फूल ही फूल रहेगा, फूलों की कमी नहीं होगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। इतना अच्छा पौधा है ये, बहुत ही अच्छा है। बहुत ऊंचा हो गया ये, मैं लटका के दिखाई हूँ आपको। और ये देखो इसका ये पौधा है, इसी में मेरा संध्या भी लगा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है शाम के टाइम, 4 बजे के टाइम। और देखो ये कितना मोटा हो रहा है, काफ़ी पुराना मेरा है। कटिंग से लगा लो इसको, कटिंग से ग्रो करो, बहुत अच्छा है। सीड से भी लग जाता है, मैंने सीड से भी लगा रखा है, वो भी मेरा ग्रो हो गया है और ये कटिंग से लगा हुआ है। और देखो कितना बड़ा मैंने बांध रखा है इसको, ये देखो फूलों से पूरा लदा पड़ा है। और ये देखो कली भी, ढेर सारी कली है ये देखो। तो ये पौधा अगर आपके गार्डन में नहीं है तो ज़रूर लाओ और इसको लगा लो। और छोटे से डिब्बे बोतल में हो जाता है, पहले मैंने लगा रखा था, जो इसकी सीड लगाई थी मैं तो वो छोटे बर्तन में ही लगा रखी थी, यानी छोटे से गमले में, उसमें भी हो गया। अब मैं उसको बड़े में कर रखी हूँ, अभी बड़े गमले में है और उसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। रुको मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इसमें लगा हुआ, ये मैं सीड से लगाई थी, ये उसी का ही सीड है जो मैं अभी दिखाई हूँ, मदर है। और देखो उसी का सीड है, कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है ना, बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है ये देखो। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सीड से लगाया था और इसमें फूल आ गया, तो ये 1 साल के बाद फूल आया है, पूरे 1 साल लग गए इनको। देखो ये कली है तो इसमें भी फूल आ जाएगा। अब फूल देखो अच्छे हैं ना, फूल अरे लंबे टाइम तक खिलते हैं। और इसी में देखो मेरा कनेर भी लगा हुआ है, ये कनेर का है, अभी कनेर में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, दोनों एक में ही लगा रखी हूँ। ये मॉर्निंग गिलोय है, इसी में सीड झड़ के खुद ही हो रहा है। और इसमें जो मैंने सीड लगाया था ना, तो देखो एक पौधा तो ये है, एक ये है, नहीं ये इसी में से है, एक पौधा ये है, एक ये है, और देखो ये अलग से डंडी उसी में से निकल रही है। अब इसको कट करके हम चाहें तो कहीं पे भी कटिंग भी लगा सकते हैं, देखो इतना बड़ा हो गया है, ये कटिंग भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं। तो अगर हम कटिंग लगाएंगे तो जल्दी 6 महीने में फूल आ जाएगा, और सीड से लगाते हैं तो 1 साल लग जाता है। और देखो ये कनेर है और इस डब्बे में लगा हुआ है ये देखो, ये फेविकोल का डिब्बा था, उसमें मैंने लगा रखा है। कुछ भी मुझे मिल जाता है, डिब्बा बोतल गमला में, सब चीज़ में पौधा लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधा लगाना। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्लावरिंग, देखो सदाबहार भी कितना अच्छा हो रहा है ना। ये मैंने भूसी कर रखा है इसको काट छांट के, तो ये इतने ही दूर में है, नहीं तो ये फैल जाते हैं, बहुत दूर तक फैलते हैं ये। और ये देखो, और यहाँ पे देखो ये बेबी सनरोज है, कटिंग लगाई थी और मेरा कटिंग देखो लग चुका है, ये देखो बेबी सनरोज का है। इसी में एक एलोवेरा भी डाल रखी हूँ ये देखो। तो ऐसे ही पौधा लगा लिया करो, आपके गार्डन में ढेर सारे पौधे हो जाएंगे। देखो ये सुलोसिया का है, अभी सीड बना रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, फ्लावरिंग कर चुका, अभी सीड बना रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत फूल है ना, तो ज़रूर लगा लिया करो। और ऐसा मत सोचा करो कि आपके गार्डन में फूल नहीं है, फूल ज़रूर रहेगा। इसका एक द्वार वैरायटी भी आता है, मतलब छोटे कद का होता है, ये बड़ा वाला है। देखो कितना बड़ा पौधा है ये, देखो बहुत बड़ा सा है।
ये गमला है, बहुत बड़ा सा हो गया है। देखो इसमें भी फूल मेरे आने वाले हैं, इसमें भी फूल आ जाएंगे, और इसमें तो आ ही रहा है। तो इस प्लांट का नाम है टिकोमा, ये टिकोमा का प्लांट है, और ये कटिंग से भी सीड से भी लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। आप ज़रूर लगाओ इस पौधे को, और फूल बड़े लंबे टाइम तक इसमें रहते हैं। एक बार अगर खिल गया तो फूल खिलता ही रहेगा। अब देखो ये खिल रहा है फूल, और ऊपर देखो ये कली है, ये कली दिख रहा है ना, कली भी है, और ऊपर ढेर सारे फूल हैं। मेरा हाथ नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा हो चुका है, कोई ज़्यादा बड़े में नहीं लगा रखी हूँ। ये देखो इसमें ही लगा रखी हूँ, ये पानी का जो बिसलरी का बोतल होता है उसी में लगा रखी हूँ मैं ये, और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसी में देखो दो तीन पौधे और भी हैं। एक गमले में मैं दो पौधा तीन पौधा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में जगह की बहुत कमी है हमारे पास, तो मैं उसी हिसाब से पौधा लगाती हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पौधे भी हों और जगह कम कम से कम लगे। शहर में मैं इतना सारा जगह कहाँ से लाऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जगह कम है, असल में यह है कि हमारे पास पौधा ज़्यादा है, हर तरह का पौधा है। अब देखो यही है टिकोमा है, इसका भी दो है मेरे पास। अब गुड़हल है, गुड़हल के मेरे पास कई सारे गमले हो रखे हैं। तो जब इतने सारे गमले आपके पास होंगे तो फिर कहाँ रखोगे, तो कितना ही बड़ा छत होगा या ज़मीन होगा वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे कि ये कटिंग लगा रखे हैं हम, तो ये भी मेरे कई जगह पे लगे पड़े हैं, ये नहीं है इतने ही हैं, बहुत सारे लगे पड़े हैं। ये इसका भी गमला मेरे पास कई सारा है, ये भी बहुत सारे जगह पे रखे हुए हैं, जगह जगह पे, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता। अब देखो ये है, ये सर्दियों का फूल है, तो इसका भी मैं कटिंग लगा लगा के जगह जगह पे रख रखी हूँ, ढेर सारे हो रखे हैं ये भी, तो कितना जगह लाएंगे, ये हो जाता है। अब ये है, ये भी पूरे छत पे रखे हैं जगह जगह पे, देखो कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है ना, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, छत बिल्कुल मुस्कुरा रहा है अपने आप में। ये देखो गुड़हल भी खूब अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, ये भी ना कटिंग से ही लगाई थी मैं, ये कटिंग लगा रखी, इसका मदर दूसरी तरफ रखा हुआ है, इसकी कटिंग बांट भी चुकी हूँ मैं खूब, और भी लगा रखी हूँ इसकी कटिंग, यहाँ पे रखा हुआ है, देखो लग चुका है कटिंग मेरा है विस्कस का। तो ऐसे ही लगा लिया करो, ढेर सारे आपके पास पौधा हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सलाह दूंगी, पैसे खर्च मत करो, आप कटिंग ले आओ, किसी से भी लेके आओ, आस पड़ोस में किसी के पौधा लगे हैं तो चले जाओ और उनसे ले लो कटिंग, और कटिंग से पौधा आसानी से लग जाता है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मान लो आपको सदाबहार की कटिंग लगानी है, तो आप इतनी सी कटिंग ले आओ कहीं से, या इसका सीड ले आओ, देखो इसमें सीड बन रहा है, ये देखो ये सीड है, या तो सीड ले आओ, ले आके डाल दो, पौधा आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन कटिंग आप लगाओगे तो बहुत जल्दी आपका कटिंग लग जाएगा, ले आके कटिंग और मिट्टी में दबा दो, देखो जैसे इतना आपने कट किया है तो इतना मिट्टी में दबा दो, पत्ते तोड़ देना, इतना दबा दो, दबा के छायेदार जगह में रख दो, जैसे कि हमारे पास ये छायेदार जगह बना रखी हूँ मैं, इनमें घुसा दो आप, आपका पौधा तैयार हो जाएगा। देखो मेरा कटिंग यहाँ भी लगा हुआ है, ये देखो कितना अंदर घुसा रखी हूँ, ये टूट गया था कोलियस का उठाने में गमला, तो ये कटिंग मैंने लगा दी, अब देखो कटिंग लग चुकी है, ये देखो ये नन्हे पत्ते निकल रहे हैं, इससे समझ जाओ कटिंग आपकी लग चुकी है, और इसमें भी लगा हुआ है कटिंग, इस वाले डब्बे में। तो ऐसे ही लगा लिया करो, कटिंग से पौधा तैयार करो, आपके पास इतना हो जाएगा कटिंग कि आप इतना सारा पौधा हो जाएगा कि आप सोचोगे मैं किसको दूं पौधा, इतने सारे हो जाएंगे, और एक दूसरे को दो, पौधा ज़रूर बांटो, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर पौधा आपने लगाया है तो पौधे को बांटो भी, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को हमें पौधा देना चाहिए। ये देखो ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं, लोग तो काट छांट के भी दिखाते हैं, मैं बिल्कुल सीधा दिखाती हूँ, और देखो फूल है कि नहीं है, खुद ही देखो कितने सारे फूल हैं, ये देखो पूरा ऊपर तक है, ऊपर नहीं दिखा सकती मैं, बहुत सारे फूल हैं। तो ऐसे ही फूल लगा लो, मेरी तरह गार्डनिंग करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, छत से नीचे जाने का मन भी नहीं करेगा, इतना अच्छा लगेगा। और ये तो देखो मैंने लगाया था, रिपोर्टिंग किया था, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो देखो अब ये लग भी चुका है। इसकी पहचान ऐसे होती है, अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो देखो ये ऐसे पहचान होता है, देखो न्यू ब्रांच निकल रहा है।
तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम फिर लेके आते रहते हैं, मैं नई नई जानकारी लाती रहती हूँ। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।